सो गाइस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एपिसोड होने वाला है आज का। मैं बोल रहा हूँ आपको, आज एरिस अपनी गर्दन कटवाने के लिए हानली बाजार पे हमला करने वाला है। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखेगा, बिकॉज उसने अपने बंदे भेज दिए हैं हानली बाजार के अंदर। होटल चेक इन कर लिया है उन बंदों ने, चार बंदों ने है सिक्योरिटी गार्ड के इधर। वहाँ पे उन्होंने अपने तुर्गुत तुमरुल भाई को अपने हथियार दे दिए हैं। अपने थैले के अंदर उन्होंने कुछ हथियार वहाँ पे लेके गए थे। हालांकि अभी मॉडर्न ज़माना नहीं है उधर चल रहा, तो चेकिंग करने के लिए जो वो टू 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 वाला होता है वो चेकिंग नहीं कर सकते थे, और इसलिए वो लेके चले गए। एंड अभी वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कल क्या होगा, मतलब अभी क्या होगा, देखने वाला सीन है। उधर से अर्तुग भाई और हमारे मारिया, अर्तुग भाई और मारिया की शादी हो चुकी है, उन्होंने निकाह पढ़ लिया है। हैं उधर अपने हाइमा खानम बीमार हो चुके हैं, उनको क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। ऑलरेडी कल अत्सेज भाई जा चुके हैं दुनिया से, बड़ा दुख लगा थोड़ा सा। एंड ऊपर से हाइमा खानम की तबीयत खराब हो चुकी है भाई, उनको कुछ नहीं होना चाहिए भाई। दो दो अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय डिरिलिस एर्तुगरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 38। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा, तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये क्या है भाई, बहुत ही शाही है ये। सुल्तान मौजिम कोनिया में बैठे हैं अपने कबीले महल में, शहंशाह। कितने सारे मकतूब भेजते होंगे ना ये, इनके पास कितना कितने सारे मकतूब के कवर्स होंगे, कितने बेहतरीन कवर्स होते हैं माशाल्लाह। पूरा कोठड़ी भर के होगा, रोज बनते होंगे फैक्ट्री में। चलो भाई मकतूब में डालो, उसमें चिट्ठी भेज दो। तो हाइमा खानम को क्या हुआ, क्या तुम मकतूब का बात आ कर रहे हदे। ठीक हो जाओ हाइमा खानम। उनको सुंघाया कुछ नहीं शायद। संभल जाएगी, संभल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अर्तुगरुल भाई ने बहुत टाइम के बाद ये पहने।
ओहो नए कपड़े, क्या बात है। जब से कोनिया में रहने लगा ये बंदा, ये तो नए से नए कपड़े पहन रहा है। धोबी इसके पास ही है ना? ये क्या चीज है? ये कारीगर है ना? रोले रोले रो, बैठ के रो, रोलो रो यो। मस्त है ये। आ जाओ आ जाओ, सिल्की कपड़े है ना भाई। टेडी बियर रोएगा अभी बैठ के, सर पकड़ के। सुल्तान के मरने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है गुप्त। उसका जानशीन और उसकी जौजा मेरे काबू में नहीं है अभी। अगर सुल्तान को अचानक कुछ हो गया तो महल में मौजूद मेरे दुश्मन सबसे पहले मेरा सर काट कर महल के दरवाजे पर लटकाएंगे। और कौन है? बोएरो हम अपना काम करेंगे और बाकी मौत के फरिश्ते पर छोड़ देंगे। बोएरो रहेगा इसमें। एरोगन हाय माखनम
की तबीयत खराब है ना, इसलिए दे आर टेंस्ड. इंशाल्लाह. ये क्या हो रहा है भाई? अर्तुल भाई, उस्मान गाजी, कुलोस उस्मान. ये यही सीजन में आएगा क्या उस्मान? होश आ गया, चलो बढ़िया. दिखा रहा है ये तीर. अपने पेट पे मत मार लेना खुद ही.
लगा दिया तीर वहां पे। ये तो बहुत जबरदस्त इजाद है अमीर हजरत, इंशाल्लाह सुल्तान की मौजूदगी में अपना काम पूरा कर देगी। फिर चलाकर देखते हैं कहीं ये नाकाम ना हो जाए, जैसा आपका हुक्म। तो खोलते ही ये इसको आता है चलाना, क्योंकि ये जो है ये है लकड़हारा, इसने ही बनाया है ये मस्त वाला तीर। ये जहर, जहर भाई। जब देखो ये जहर का इस्तेमाल करते रहता। बेचारा निजामुद्दीन संदूक ले जाकर अमीर निजामुद्दीन के संदूक से बदल दो भाई। कल इजलास में काबिल-ए-दीन नजारा होगा, जैसा का हुक्म अमीर हजरत। इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। चलो वालिदा इज परफेक्ट नाउ। ओ कानियों, अर्थुल के आने से पहले तुम वहां आने वाले ताजरों के साथ शामिल हो जाओगे।
ارطغرل بھائی ہانلی بازار جا رہے ہیں. صاحب کیا زبردست نظارہ ہے. کتنے ٹائم کے بعد ہانلی بازار جا رہے ہوں گے. کتنا فاسٹ جا رہے وہ الگ. انہوں نے گھوڑے کو بھی نیا چیز پر پہنا لی نا. گھوڑا بھی ان کا اپ گریڈ ہو گیا ہے. ये लोग देखो तुम सबको अपनी आंखें खुली रखनी होगी. इस पक्षों की राह में हम किसी किस्म का खतरा बोल नहीं ले सकते. अच्छा पेरिस हमले के बाद सराय को जला देगा और धुआं उठने के बाद हमारा हमला शुरू होगा. भरपूर हमला करना है हमें. तैयार रहो सब. मरने के लिए तैयार रहो बस. बाकी जो चक्कर नहीं وادیاں بہت صحیح ہیں نا. میرے کو تو یہ دیکھنا ہے جیسے وہ ایرس بول رہے ہیں نا اندر کیسے جائے گا اور کرے گا کیا. وہ دیکھنا ہے میرے کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ وہ لگ رہا ہے ابھی. پادری لوگ نہیں نہیں پادری نہیں تاجر ہے. تاجر یہ پیٹی سے بدل گئی. ہاں تاجر اس میں یہ ایرس سچ میں یہ وہی تھے. یہ چیک نہیں کرتے یار یہ بندے. مطلب ایسے ہی جانے دے رہے اندر. کچھ بھی لے کے ڈال لے کے چلے جائیں بس. حد ہے ایسے کیسے پاسبل ہے بھائی. ایسے تو مطلب کوئی بھی کچھ بھی لے کے جا سکتا ہے اندر. بم بم لے کے چلے جائے تو پورا سرایا اڑ جائے گا. شکریہ ان شاء اللہ سر. ہمیں بھی ملنا ہے ان سے. جلدی بلاؤ. انشاءاللہ
सच में आएंगे क्या? सच बताओ यार, मेरे को बड़ा मन है। कोनिया कोनिया कोनिया, ओए होए होए, फैंसी दस्तरखान। सुल्तान का दस्तरखान है भाई, ऐसे थोड़ी सुल्तान है मौसम। माशाल्लाह, कुछ तो हो रहा है। क्या दिया जा रहा है उनको प्लेट में रख के? ओह ओके, पेशकश। कोपू ताजर भाई, अरे नीचे सब कुछ है उनके पास, तैयार बैठे आने का वेट कर रहे हैं अर्तुरुल भाई का। आ गए अर्तुरुल सरदार। अभी कोई कांड ना होता। एस्टर भाई को शक हो गया क्या उन पे? देखो देखो पीछे देखो, देखने से पहले पीछे देखो। सोने की बाल्टियां हैं, पतीलियां, सॉरी बाल्टी अलग होती है, सॉरी छोटा डोंगा था। की बरकत और आसान तिजारत का जिक्र सब लोगों से करेगा।
तो फनी है वो. इसमें एरिस्टो नहीं है? हाँ यार. और इधर सुल्तान के तीर लगेगा. क्या चल रहा है यार? ये मतलब बात होती है किसी चीज की. खोलो इसे अजीज, खोलो. क्या उठा ना भाई एकदम स्टाइल में. ओ तेरी, ओ भाई. देखो दोनों साइड में, दोनों साथ में मारा. लॉक लगा दिया, लॉक लगा दिया उन लोगों ने. और इधर सुल्तान के भी लगने वाले. तलवार निकालने का क्या फायदा? थोड़ी इधर कोई है? कौन है इधर? कोई नहीं इधर. को डराने के लिए आया, थोड़ा डराना चाहता था. कोपू गेला. कोपू ने बचाया. मार तो क्या लड़ाई हो रही है भाई. ये तीन फेंक रहे. अब्दुल रहमान भाई मुझे नहीं लगता कि एरिस बच जाएगा. एरिस मरेगा आज. रिएक्शन ऑन ड्रिलिस अर्तुगरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 38 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बट फिर भी ख़त्म कर दिया बीच में. ऑलरेडी अर्तुगरुल भाई लड़ रहे थे यार, बीच में क्यों ख़त्म किया यार? हद होती है, पूरा देखने तो देते. नेक्स्ट एपिसोड में अभी कल देखेंगे अपन कैसे एरिस की पुंगी बचती है. कल एरिस का गर्दन लहेगा, तो देखने वाला सीन है. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. तो मिलते हैं.